रतलाम जिले में सरकार गरीबों के उत्थान की अनेकों योजना चला रही है, साथ ही गांव के विकास में हो रही करोड़ों खर्च भी कर रही है। मध्य प्रदेश की विकासशील प्रदेशों में गिनती हो रही है, लेकिन विपरीत उसके अपनी मूलभूत सुविधाओं को 50 सालों से तरस रहे ग्राम पंचायत मुदंडी के गांव नहरपाड़ा और मकोड़िया, जहां ना तो पीने का पानी है ना ही सड़क की सुविधाएं, समस्याओं को लेकर सरपंच सचिव को कई बार बताया गया है, लेकिन ग्रामवासियों की कोई सुनवाई नहीं होती है। साथ ही क्षेत्रीय विधायक दिलीप मकवाना को भी इन समस्याओं को लेकर कई बार ग्रामवासियों ने बताया है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक ने उन्हें दो टूक जवाब दे दिया है कि मेरे पास फंड नहीं है, काम कैसे करूं। देखा जाए तो जनप्रतिनिधि केवल और केवल वोट मांगने के लिए गांव में आते हैं, लेकिन विकास और जन समस्याओं के लिए उनके पास समय नहीं है। सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को भारी बारिश में परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। 5 सालों के अंदर तो सर यहाँ एक धूल मिट्टी भी नहीं डली है रोड पे। हकीकत तो ये है, 5 सालों से क्या पहले पूर्व जो सरपंच थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। रोड तो सब पहले से ऐसी चल रही है, गांव के लोग परेशान होते, रात भी रात कहीं डिलीवरी का केस हो गया, कुछ बीमार हो गया तो ऐसे में मतलब तोक के ले जाना पड़ता है इंसान को, ऐसे में गाड़ी भी नहीं चलती है। तो बारिश में ज्यादा समस्या है, बारिश में बहुत समस्या है सर। समस्या ये है सर कि 2 साल से मकान अधूरा पड़ा है, किस्त दे दी नहीं सरपंच मंत्री, पहली किस्त कितने की आई थी? 25 की दे दी थी सर। 25,000 रुपये। और उसके बाद? इसके बाद में आई थी 30 की। अभी तक कितनी किस्त मिली आपको? दो मिली सर। और कितनी किस्तें आनी है? 4 आएगा सर, तो 2 और बाकी है सर। 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ गांव में विकास, और रोड की स्थिति बहुत खतरनाक है सर। कभी बाय चांस कभी लेने मरीज वगैरह कुछ भी हो जाए तो सर उसको उठा के ले जाना पड़ता है, और एम्बुलेंस आती है तो रोड पे ही ले जाना पड़ता है, जो मरीज वगैरह रहता है उसको सबको रोड पे ही बुलाते हैं, वो गाड़ी इधर आती भी नहीं है।